पहली बार अकाली दल के इतिहास च होया कि अकाली दल ने उन्हां दिन शहीदी दिहाड़े दे विच उत्थे जा के नशिया के हक च जिहड़ी ओ धरने लाए और पिछे लिखिया बोर्डां दे विच मजीठिया तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। पर अज पहली बार ही वेख्या कि मोर्चे की गिरफ्तारी की गल नशे के लिए की जा रही है कि असी एक नशा तस्कर नहीं अंदर जान देंगे। सुखबीर सिंह बादल उस वेले दे डिप्टी सीएम उन्होंने को भी होम सीगा, उन्होंने उस वेले कहा कि मैं 6,000 करोड़ की ड्रग जिहड़ी आ वह असी फड़ी आ, अज तक 6,000 करोड़ का पता नहीं। मतलब कि बिक्रम सिंह मजीठिया की इनडायरैक्टली आम आदमी पार्टी सपोर्ट पर खड़ी हो गई है ते नाल ही इहदे बारे वह कहते हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं सी करना चाहता। तो यही उन्होंने कहा कि मैं इस करके माफ़ी मंगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यदा मतलब कि जाके दिल्ली च काम करो, क्यों दिल्ली वो चो आके इतने पंजाब च टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं पहला तो सारे नवे साल की मुबारकबाद देना और साढ़े मीडिया इंचार्ज सोशल मीडिया इंचार्ज अलका लांबा जी जो दिल्ली तो अपॉइंट किए गए हैं ढींगरा साहब बैठे आ। अज एक तो मैं बेनती करूँगा कि अज एक गलते ही फोकस रखना, वो जो केजरीवाल इतने आके कह रहे हैं कि जड़ा केस किया बिक्रम मजीठिया से वह बहुत कमज़ोर है, उस बारे में मैं एक गल करनी चाहना। सब तो पहली कि साड़ी गवर्नमेंट ने आके सब तो पहला कोर्ट के असी गए, कोर्ट च जाके उन्होंने कहा कि जी एस टी एफ टी आर रिपोर्ट्स ने इन्हों ओपन किया जाए, तो कोर्ट ने कहा तुम सारे ने जी कोर्ट के होंदा रहा वो तुम आप भी उन्होंने देखते रहे हो। उन्होंने कहा कि तुहानू रोकिया ही किसी ने नहीं, बहुत तो सुते सीगे कि आज तक कोई ये ते एक्शन नहीं किया। इमीजिएटली ये ते असी अपना स्टार्ट किया FIR की, उहदे बाद डेट किते वक् वक् चैनलों ने कई ने चलाई भी ने, कई दे कोल नहीं पहुँची होनी और आज तक जेड़े वो बंदा भगौड़ा पेश नहीं हो सकिया। ये सारी चीज़ां मैं कहना चाहता। मैं केजरीवाल साहब एक चीज़ पूछनी चाहता कि तुम कह रहे हो कि कांग्रेस उन्होंने नाल मिली हुई आना जेड़े उन्होंने माफ़ीनामा मंगिया, जेड़ी माफ़ी मंगी आ केजरीवाल के साइन ने ये तो चन्नी साहब जां सुखजिंदर सिंह रंधावा दे नहीं गए कि वो कोलों, और ये भी वो साइन ने कि जेड़े उन्होंने कह रहे ओ मजिठिया कि तेरे में जान है तो मेरे को पकड़ ले, नहीं तो तेरे को मैं पकड़ूंगा। तो सब तो पहला केजरीवाल उदे जाके पैरों से डिगया और माफ़ी मंगी। ये केजरीवाल साहब का जेड़ा माफ़ीनामा ये तुहाडे सारे कोल आ गया। उहदे बाद एक चीज़ मैं तुहानू होर दसनी चाहुंदा कि इन्होंने केजरीवाल साहब कहते कि कांग्रेस के बारे जिहड़ा पंजाब की गल जे करिए शांति मार्च कोई मार्च, मैं एक चीज़ केजरीवाल को पूछना चाहुंदा कि जिहड़िया बंदिया ने जिहड़े आदमियों ने पंजाब च आम आदमी पार्टी खड़ी की उन्हां चों अज एक बंदे का नाम दसण कि वो उन्होंने नाल है। सब तो पहला सुचा सिंह छोटेपुर, फुलका साहब, धर्मवीर गांधी, चाह होर भी जड़े ने दो तीन MP सी जे दो बने सके फतेहगढ़ साहब तो फरीदकोट तो, उन्होंने एक भी इन दे नाल नहीं रहा। यह पहला अपने पीढ़ी थले सोटा फिरन तो थोड़े सामने ही है कि 22 MLA 12 इन्हों छड गए, एक दो हूँ इन्हों वापस चले गए। तो ये सानू दसन की बजाए ये आप तो दसन कि इन्हों कि जोड़ा जिस वे 2017 इन्हों का तुम सारे ने उन्होंने देखिया। मैं एक चीज़ होर दसनी चाहना कि केजरीवाल साहब ये पंजाब आ, पंजाब के लोग गल्लां नाल नहीं चलता कम, इत्थे कम करके और पंजाब की गल करके इत्थे गल की जाती है। मैनू
कई बार उन्होंने सुनिया मैं कई बार मैं सुनता उन्होंने कि नैशनैलिटी की जे गल करनी या कोई होर गल करनी अतवाद की गल करनी मैं केजरीवाल को चैलेंज करदा कि मेरे नाल बैठ के वो डिबेट करे कि जेडे 84 तो बाद जो अतवाद चलिया 10 साल पंजाब अतवाद की हनेरी दे विच इत्थे रहा ते उहदे च केजरीवाल एक वारी जां कि उस वेले नौकरी करदा सी ते जां कोई होर सी जां इहने कदी भी आ के पंजाब विच अतवाद दे अगेंस्ट जां वक्खवाद दे अगेंस्ट अज वी नहीं गल कीती ते इह सानूं दस्सणगे कि आ पेट्रियट की हुंदा देश भगती की हुंदी आ। दूसरी चीज़ मैं तुहानूं अज बिक्रम मजीठिया ते आपां रखांगे ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਟੂ ਡਿਪਿਊਟ ਐਨ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਾਈਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26/11/19 ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18/2/2020 ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5/12/2019 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18/2/2020 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਟਲ ਕੇਤਨ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ? ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, 5/3 ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਡਰੱਗੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
वो कहते हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं सी करना चाहता, कि यही उन्होंने कहा कि मैं इस करके माफ़ी मंगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यदा मतलब कि जाके दिल्ली काम करो, क्यों दिल्ली वो चो आके इतने पंजाब टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो मैं थोड़े सामने इस करके आया कि होम मिनिस्टर भी हाँ और लॉ एंड ऑर्डर बारे भी, नशा बारे जेडे तकरीबन जो दिल्ली के हालात ने जो पंजाब के ने उन्हों का जो कंपैरिजन करिए तो पंजाब उन्होंने कितने वधिया बैटर डील करता। मैं हुण अलका जी नूं कहांगा ये अपने। मैं सब तो पहला साढ़े उप मुख्यमंत्री कवां, गृह मंत्री कवां, जिन्होंने एक कदम उठाया कि नशा माफियावां ते शिकंजा कसिया हैगा। अज असी उन्हां नूं निवेदन किया, क्यों? क्योंकि आरोप लगे बदले की भावना नाल किया जा रहा है। साडा यह कहना है बदले की भावना नाल नहीं, नशा माफियावां नूं बचाण लई, बचाण की भावना लई अज सर एक हो गए ने। बदले की भावना और बचाण की भावना सारे एक हो गए ने। आम आदमी पार्टी होए, बीजेपी होए, अकाली दल हो, साढ़े हाल ही के पूर्व मुख्यमंत्री हो, सारे उम्मीद की जाती सी जिन्होंने पंजाब नू बर्बाद किया ए कार्रवाई का वो सारे स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। पर स्वागत करन दी बजाए क्या जी, ए तो राजनीति है, ए तो बदले की भावना है, स्वागत नहीं किया। दूसरी गल, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर और वीडियो के माध्यम तो पुलिस की जाँच न पटरी तो लाण का काम किया है। कहते हुए कि एक तरीक न मजीठिया स्वर्ण मंदिर देखा गया है, पुलिस के कैमरे लगे ने, कोई एवजी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जाँच न पटरी तो लाने लई झूठे वीडियो, झूठी फोटो पुरानिया पा के किया जा रहा है कि सरकार कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। कि 10 साल भाजपा और अकालिया की सरकार रही, सही क्या 2013 में 6,000 करोड़ का जड़ा नशे का भांडाफोड़ होया, इन्हों का नाम आया, बचाने का काम करते रहे। फिर साढ़े पूर्व मुख्यमंत्री जड़ा भाजपा की गोदी जाके बह गए ने, उन्होंने भी बचाने का काम किया। चन्नी सरकार ने, चन्नी जी ने 100 दिन का काम की उपलब्धि दसी, जो सब तो वड्डी उपलब्धि नशा माफियावां ते शिकंजा कसण दी है। रंधावा जी ने तुहानू सबूत दिते, अकालिया ने तुहानू असी दे दांगे, खुद इहदी जांच करन वास्ते लिखिया। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री सी, उन्होंने वो जांच नू अकालिया दे निवेदन ते अगे वधाया। साडी सरकार ने तीसरा कदम उठा के FIR कराती। जेड़ा अकाली भाजपा दे राज विच उड़दा पंजाब नशा मुद्दा सी, अज कांग्रेस दे राज विच पगिया फिरदा मजीठिया है, पग रहा है। बेल रिजेक्ट हो गई, पंज नू फिर पेशगी हैगी है। राजनीतिक संरक्षण दिल्ली तो लैके इत्थे तक उन्हूं मिल रहा, उन्हूं बचाया जा रहा है। और असी जेड़े लोग नशा माफिया उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिल्ली तो लैके इत्थे तक देने की कोशिश कर रहे हैं, असी उन्होंने मनसूबिया ते पानी फेरांगे। खास तौर पर माफी वीर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, असी तो FIR कराइए, असी तो गंभीर असी छड़न वाले नहीं हाँ। केजरीवाल ने की किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब चुनाव में मुद्दा बनाया, चुनाव हार गया, दिल्ली चला गया, डर गया और माफ़ी भेजती जी मैं माफ़ी मांग लैंदा वा। असी अरविंद केजरीवाल नू चुनौती दे रहे हैं, केजरीवाल जी ये कांग्रेस की सरकार, चन्नी जी की सरकार हैगी, कार्रवाई शुरू हो गई है। तुहाडे कोल जो सबूत है ने, जिहड़े तुसी 2017 के चुनावों में मंचा तो आरोप लगाए सी, वो सबूत तुहाडे कार दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से जरूर होंगे, असी उम्मीद कर रहे हैं। साढ़े गृहमंत्री बैठे हुए ने, उप मुख्यमंत्री तुहानू निवेदन करते ने, निकालो सारे सबूत दे रहे 2017 में मजीठिया और नशे के खिलाफ तुसी मंचा तो ऐलान करते सी, लेकिन सरकार इत्थों हार के तुसी दिल्ली जाके डर गए, कायर माफीनामा लिखता। असी कहने सानू सबूत दो, तुहाडे कार हैगे ने ना, आओ या तो कह दो कि यह नशा माफिया नहीं हैगा, माफ़ी मांग ली, मामला खत्म हो गया है। फिर सानू ना कहन जी असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं।
पकड़ क्यों नहीं आ रहा है? तुसी पहले साफ करो कि तुसी उन्नू आज भी मनते हो कि नशा दे विच ओदा पूरा रोल है, सी ओ दोषी है। उन्नू सलाखा दे पिछे पहुँचा कर पंजाब दा जेड़ा युवावा दा भविष्य कार उजाड़ेगा, ओदा बदला होना चाहिए। एदे ते एक लाइन नहीं वो बोल रहे ने, एक लाइन नहीं। और ऐ माफी वीरा कोलो सानू नहीं पूछना हैगा कि पंजाब दी सरकार की कर रही है कि नहीं कर रही है। कि T5 चैनल पंजाबी पुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।